हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाली क्लास है आपकी एनेस्थीसिया से रिलेटेड। एनेस्थीसिया क्या होता है, कैसे काम करता है एंड कॉमनली यूज्ड एनेस्थीसिया कौन सा है। ये क्लास अभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए है एंड अगर आप एक लेमैन आदमी है जिसको इन सब का आइडिया नहीं है एंड जस्ट फॉर नॉलेज आप देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो समझ आ जानी चाहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्लास से पहले, वो है कि आपका एनेस्थीसिया और आपका एनाल्जेसिक के अंदर फर्क। कई बारी जो है दोनों को एक साथ ही कंपेयर कर लिया जाता है, एक समझा जाता है कि एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया सेम होता है। तो उसके अंदर एक माइनर सा फर्क होता है, वो समझ लेते हैं। जो आपका एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक्स, वो सिर्फ आपके पेन को खत्म करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ आपके पेन को खत्म करते हैं, मतलब पेन की सेंसेशन को आप खत्म कर देते हैं। ऑन द अदर एंड आपके जो एनेस्थीसिया होते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं जो कि एनेस्थीसिया इंड्यूस करते हैं, वो आपकी सारी की सारी सेंसेशन को खत्म कर देते हैं। ऑल सेंसेशंस, सेंसेशंस के अंदर आपकी कौन कौन सी सेंसेशन आती है, जैसे कि हो गया आपका टेम्परेचर, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके हाथ पे ठंडा रखा है या गर्म रखा है, आपको कोई ट्रॉमा हुआ है हाथ पर, मतलब अगर आपके हाथ पे इंसिजन वगैरह लगा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। तो सारी की सारी सेंसेशन जो चीज खत्म करते हैं उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया एंड जो चीज सिर्फ और सिर्फ पेन को खत्म करती है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। अब एनेस्थीसिया के अंदर भी आपके दो टाइप होते हैं। पहले तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया सेम नहीं होते हैं। एनाल्जेसिक के अंदर जो दवा आती है उसके अंदर आती है आपकी पैरासीटामोल आपकी एनाल्जेसिक आती है, बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया भी दो टाइप के होते हैं, लोकल और आपका जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया। तो आज हम मेनली लोकल एनेस्थीसिया के ऊपर हम स्टडी करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया को बाद में देखेंगे। तो लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ समझना पड़ेगा। लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, जैसे इसका नाम है लोकल, एक जगह एक एरिया को नम कर देता है। क्या कर देता है? नम का मतलब क्या होता है? सुन्न कर देता है। क्या होता है? सुन्न कर देता है। सुन्न करना मतलब सारी की सारी सेंसेशन उस एरिया से खत्म हो जाती है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया या फिर कोई ट्रॉमा इंजरी या फिर कोई इंसिजन लगाते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है नंबनेस हो गई, सुन पड़ गया। तो वो होता है आपका लोकल एनेस्थीसिया का काम। जनरल एनेस्थीसिया का जो काम होता है वो आपका पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से कॉन्शियसनेस चली जाती है। कॉन्शियसनेस क्या होता है पहले तो बता देता हूँ, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको पता नहीं आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके साथ सर्जरी हुई है नहीं हुई है, सर्जरी के बाद आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी सर्जरी हो गई। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं आपके जनरल एनेस्थीसिया के बाद, मतलब जनरल एनेस्थीसिया अनकॉन्शियसनेस को इंड्यूस करता है, आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बट लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ये सब नहीं देखा जाता, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर सिर्फ एक इफेक्ट देखा जाता है, वो है सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, ट्रॉमा, सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड जनरल एनेस्थीसिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। तो लोकल एनेस्थीसिया आपके दो टाइप के होते हैं, मतलब अगर मैं केमिकली बात करता हूं तो दो टाइप के आपके लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, एक होते हैं आपके एस्टर्स, एक होते हैं आपके एमाइड्स। क्या होते हैं? एस्टर्स और आपके एमाइड्स, मैं लिख लेता हूं जल्दी से, एस्टर्स और यहां होते हैं आपके एमाइड्स। ये केमिकल क्लासिफिकेशन होता है एनेस्थीसिया का। एस्टर मतलब होता है उसके अंदर एस्टर वाला बॉन्ड होगा, अगर आप केमिकली देखते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता होगा कि एस्टर एक टाइप का बॉन्ड होता है और एक अमाइड एक टाइप का बॉन्ड होता है। तो जिन ड्रग्स के अंदर, जिन केमिकल के अंदर एस्टर का बॉन्ड है वो होते हैं एस्टर्स, जिनके अंदर अमाइड वाला बॉन्ड है वो होते हैं अमाइड्स। तो एस्टर्स के मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि हो गया प्रोकेन, प्रोकेन, कोकेन, कोकेन को तो आप सबको पता होगा, कोकेन एक ड्रग होता है ठीक है, जिसका काफी ज्यादा गलत यूज किया जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है लिग्नोकेन या फिर लिडोकेन, दोनों चीज सेम होती है, कई जगह इसको लिखा जाता है लिडोकेन, कई जगह लिखा जाता है इसको लिग्नोकेन। और भी ड्रग्स होते हैं बट आपको मेनली ये ड्रग्स पता होने चाहिए और हम जिस पे पढ़ने जा रहे हैं वो है ये लिग्नोकेन, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है लिग्नोकेन। तो आप एक चीज देखिए कि इन सभी ड्रग्स के अंदर जो कॉमन चीज है वो है केन, 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 इन सबके लास्ट में, या फिर कहिए कि इन सबका जो सफिक्स है जो बाद में आता है उसमें केन लग रहा है, क्या लग रहा है? केन। तो जितने भी आपके लोकल एनेस्थीसिया वाले ड्रग्स हैं उसके अंदर लास्ट में केन होगा, ठीक है? तो ये तरीका याद करने का कि अगर केन है मतलब वो आपका लोकल एनेस्थीसिया वाला ड्रग है,
जैसे कि हो गया आपका लिग्नोके। अब जितने भी आपके एनेस्थीसिया वाले ड्रग्स होते हैं उनकी एक कॉमन बात होती है, क्या कॉमन चीज होती है, वो क्या करते हैं, वेसो डायलेशन करते हैं। इसका साइड इफेक्ट कह लीजिए या फिर इसका एक इफेक्ट कह लीजिए, वो है आपका वेसो डायलेशन। अब वेसो डायलेशन क्या होता है, वेसो डायलेशन होता है जब आपकी ब्लड वेसल्स आर्टरीज एंड वेन्स डायलेट हो जाती है, मतलब फैल जाती है, उनका डायमीटर बढ़ जाता है, उनका डायमीटर बढ़ जाता है ड्यू टू दिस ड्रग्स। तो उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होने से क्या होता है, आपका हाइपोटेंशन हो जाता है, क्या होता है, हाइपोटेंशन। एक होता है आपका हाइपरटेंशन, एक होता है आपका हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन जब होता है तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अब यहां पर क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन। तो ये वाला हाइपोटेंशन बहुत कॉमनली देखा जाता है सर्जरीज के टाइम पर, जिस वजह से ये मॉनिटर किया जाता है सर्जरी के टाइम पे कि पेशेंट को या फिर एनिमल को हाइपोटेंशन तो नहीं हो गया। अगर हाइपोटेंशन वगैरह होता है तो उसको आईवी इन्फ्यूजन वगैरह दिए जाते हैं। आईवी इन्फ्यूजन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है वेसो डायलेशन। अब समझने की बात ये है कि सारे के सारे ड्रग्स आपका वेसो डायलेशन करते हैं, एक ड्रग नहीं करता। एक ड्रग वो है आपका कोकेन, कोकेन आपका वेसो डायलेशन नहीं करता, वो आपका क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब वो हाइपरटेंशन करता है, हाइपो नहीं करता, हाइपरटेंशन करता है, हाइपरटेंशन करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कई बार इसको यूज किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर आपको चांसेस होते हैं कि वो पेशेंट हाइपोटेंशन के अंदर जा सकता है, जिसका हार्ट इतना प्रॉपरली पंप नहीं करता और आगे उसको हाइपोटेंशन हो सकती है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उसके अंदर हम प्रेफर करते हैं कि कोकेन दिया जाए, ठीक है। कोकेन काफी ज्यादा एडिक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेसोडायलेशन वाला कंसेप्ट। अब ये जो वेसोडायलेशन होता है इसके कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। सबसे पहला नुकसान तो मैंने आपको बता दिया, हाइपोटेंशन। इससे अलग जो नुकसान होता है वो ये है, आप समझिए कि आपको एक सर्जरी करनी है, ठीक है, आपको एक सर्जरी करनी है, ये बॉडी है, आपको यहां पर इंसिजन लगाना है, यहां पर कट लगाना है, तो आपको यहां पर एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ठीक है। आप तब यहां पर लोकल एनेस्थीसिया देंगे तो यहां पर जाहिर सी बात है कि ब्लड वेसल्स होंगी, यहां पर मैं बना देता हूं ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होंगी इसकी चारों तरफ, है ना, ब्लड वेसल्स होंगी। अब जो आपका लोकल एनेस्थीसिया है वो आपका आपने यहां पे लगाया, ठीक है, चारों तरफ इस एरिया के लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया, वो क्या करेगा, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर जाने लगेगा, तब वो लोकल एनेस्थीसिया ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो वो इनका डायमीटर और बढ़ा देगा, इनका डायमीटर और बढ़ेगा, इससे क्या होगा, वेसो डायलेशन और ज्यादा होगा। तो वो जो ड्रग आपको यहां लगाना था वो ड्रग यहां की बजाय पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, मतलब वो वाला ड्रग जो है सिस्टमिक इफेक्ट दिखाने लगता है, क्या दिखाने लगता है, सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक मतलब होता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जो इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है उसको बोला जाता है सिस्टमिक इफेक्ट। एंड जो आपको एट अ पर्टिकुलर लोकेशन देखने के लिए मिलता है, एक पर्टिकुलर साइट पर देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं लोकल इफेक्ट। तो हमें चाहिए क्या था, लोकल एनेस्थीसिया से लोकल इफेक्ट, बट लोकल क्या बन गया, सिस्टमिक। क्यों बना, क्योंकि ये जितने भी आपके ड्रग्स थे लिग्नोकेन वगैरह, इन्होंने वेसोडायलेशन करा दिया और वो लोग चले गए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स ने क्या किया, लिग्नोकेन के साथ क्या मिला दिया, एड्रीनेलिन, क्या मिला दिया, एड्रीनेलिन, ये एड्रीनेलिन की शॉर्ट फॉर्म है एडीआर, एड्रीनेलिन या फिर कहिए एपिनेफ्रिन, दोनों चीजें सेम होती हैं। ब्रिटेन में इसको एड्रीनेलिन बोला जाता है, अमेरिका में इसको एपिनेफ्रिन बोला जाता है, या फिर उल्टा होगा मेरे को पता नहीं है। तो एड्रीनेलिन इस दवा के साथ मिला दिया जाता है। अब एड्रीनेलिन क्या काम करता है, एड्रीनेलिन का मेन काम होता है आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब आपने एड्रीनेलिन लिग्नोकेन के साथ मिलाकर दिया है, ठीक है, यहां पर आपने इंजेक्ट कर दिया सबक्यूटेनियसली इसको, ठीक है, सबक्यूटेनियसली इसको इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो आपका एड्रीनेलिन था वो इन ब्लड वेसल्स का क्या कराएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, वो जो आपने दवा दी थी लिग्नोकेन वो लोकली ही रहेगा, वो यहां का यहां ही रहेगा एंड वो फैलेगा नहीं, ठीक है। दिस इज द इंप्लीकेशन कि आप एड्रीनेलिन मिलाने लगे हैं आजकल किसके अंदर, लिग्नोकेन के अंदर। तो इंजेक्शन के ऊपर आप देखते होंगे कि लिग्नोकेन HCl with 2% of adrenaline, ये सब लिखा रहता है आपका इंजेक्शन के ऊपर। तो एड्रेनालिन का देने का पर्पस ये होता है। आपका तीन तरह से आप एनेस्थीसिया दे सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका टॉपिकल। टॉपिकल मतलब होता है आप स्किन के ऊपर लगा दें, जहां पर आपको ऑपरेशन करना है, जहां पर आपको इंसिजन लगाना है, वहां पर आप जो है इसको अप्लाई कर दीजिए स्किन के ऊपर एंड वो अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। तो टॉपिकल आपका बेसिकली कोकेन दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेट, साइट इनफिल्ट्रेशन, मतलब जिस साइट पर आपको ट्रीटमेंट करना है वहां पर आप इसको क्या कर देते हैं, सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर देते हैं, सब
सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर देते हैं। किसको? उस दवा को आप सबक्यूटेनियसली चारों तरफ इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका ये जो आप इंजेक्ट करते हैं, एक हो गया आपका टॉपिकल, अगला क्या आपका, अगला आपका एपिड्यूरल, एपिड्यूरल या फिर आप डायरेक्टली बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, नर्व ब्लॉक। क्या हो रहा है? नर्व ब्लॉक। तो ये आपके तीन बेसिक से आपके मोड होते हैं कि आप कैसे उस दवा को देते हैं। सबसे पहला तो आपको बता दिया, टॉपिकल आप स्किन के ऊपर लगाते हैं एंड आपको इफेक्ट दिख जाता है। दूसरा होता है कि आप इसको जो है एपिड्यूरल दे देते हैं, एपिड्यूरल मतलब नर्व के पास। एपिड्यूरल मतलब क्या होता है? एपिड्यूरल आपकी जो होता है ना, आपके मैनेजेस होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरकनॉइड, उसके अंदर एक जो होता है आपका मैनेजेस, उसका बोला जाता है ड्यूरा मैटर। तो आप ड्यूरा मैटर के अंदर देते हैं इसको, जिस वजह से ये नर्व को ब्लॉक कर देता है, नर्व ब्लॉक हो जाती है। तो जिस वजह से आपका जो है इफेक्ट जो है काफी बड़े एरिया पे देखने के लिए मिलता है, कम दवा से इफेक्ट बहुत बड़े एरिया पे देखने के लिए मिलता है, ये होता है फायदा आपका एपिड्यूरल का। एंड अगला आपका, जब आपको इंसिजन देना हो या फिर आपको सूचरिंग करनी हो किसी जगह की, तो आप जो है उसी साइड पर सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर देते हैं। एक ही हो गया आपका। तो तीनों के तीनों हो गए आपके, आप कैसे उस दवा को देते हैं, ठीक है। इनका साइड इफेक्ट क्या है? एक साइड इफेक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो है आपका हाइपोटेंशन। ये सारे के सारे ड्रग हाइपोटेंशन करते हैं, जिस वजह से बीपी फॉल हो जाता है एंड चांसेस होते हैं कि शॉक के अंदर चला जाएगा पेशेंट, हाइपोटेंशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जो आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया था वो ब्लड वेसल से होकर कहां चला गया, आपके ब्रेन के अंदर चला गया। ब्रेन के अंदर तब वो चला गया, तो ब्रेन के अंदर वो क्या करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। क्या करता है? सीएनएस को डिप्रेस करता है। सीएनएस को क्या करता है? डिप्रेस करता है। डिप्रेस मतलब कम करता है। सीएनएस के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका ब्रेन होता है उसके अंदर कुछ न्यूरॉन होते हैं जिनको बोला जाता है इनहिबिटरी न्यूरॉन, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। अगर आपको बायोलॉजी पता है तो बेसिक, अगर अंग्रेजी पता है तो बताओगे इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सप्रेस करना। तो इनहिबिटरी न्यूरॉन को क्या करता है, आपका लिग्नोकेन सप्रेस करता है। लिग्नोकेन क्या करता है? सप्रेस करता है। तो इनहिबिटरी न्यूरॉन जब सप्रेस होते हैं तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब इन न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तब इन न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो आपके अंदर देखने के लिए मिलेंगे सीजर्स, सीजर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ट्रेमर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, एंग्जाइटी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट हैं अगर आपका जो ड्रग है वो सीएनएस या फिर ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाए, तो ये आपका एक साइड इफेक्ट है। अब मानिए कि आपका ये जो ड्रग है वो ब्रेन के उस पार्ट पर पहुंच गया जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। आपको पता होगा ना, जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो आपका ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। अब वो जो आपका ड्रग था वो आपका यहां पर पहुंचा और इसको इनहिबिट कर दिया, तब ये रेस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट होता है तो आपका जो रेस्पिरेशन होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो स्टॉप हो जाएगा एंड जिस वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज वन साइड इफेक्ट, डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से डेथ हो सकती है। तो एक ही इसका हो गया साइड इफेक्ट। तो इसलिए कहा जाता है एनेस्थीसिया तब दिया जाता है, बड़े ध्यान से दिया जाता है। एंड मेडिकल साइंस के अंदर तो इसकी एक अलग ब्रांच है एनेस्थीसियोलॉजी, जिसके अंदर यही काम होता है डॉक्टर्स का कि कितना ml आपको एनेस्थीसिया देना है। अगर आपने एनेस्थीसिया बिना नॉलेज के दे दिया, कितना भी दे दिया, तो डेथ हो सकती है, ठीक है। सीजर्स हो सकते हैं, ट्रेमर्स हो सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। कई बार आपका हार्ट पंप करना स्टॉप हो जाता है, आपका हार्ट तब पंप करना स्टॉप हो जाता है या फिर इसका रेट कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। एंड इस वजह से भी आपका क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को ध्यान से सीखें एंड आप खुद इनको ना ट्राई करें, ठीक है। इसके लिए सबके लिए अलग अलग ब्रांच होती है, सबका अपने अपने डॉक्टर्स होते हैं, सबको नॉलेज होती है इसकी, ठीक है। आप खुद डॉक्टर ना बने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। आखिर ये काम कैसे करता है, अभी पढ़ते हैं कि ड्रग काम कैसे कर रहा है। यहां पे लिखता हूं मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेके जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको अगर पेन होता है, पेन होता है, तो उस पेन को क्या करते हैं न्यूरॉन्स, इंफॉर्मेशन यहां से लेके जाते हैं आपके ब्रेन तक, यहां आपका ब्रेन है। तो न्यूरॉन्स बताते हैं कि यार यहां पर चोट लगी है एंड यहां पर हमें दर्द हो रहा है, तो वो सेंसेशन जो है ब्रेन को पता चलती है कि दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इनको लेके कौन जा रहा है, आपका न्यूरॉन्स। तो बात यह है कि लेके कैसे जाते हैं, इसके अंदर कोई केमिकल है क्या? केमिकल नहीं है, यहां पर जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं,
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं यहाँ से यहाँ, जो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैसे मतलब फॉलो किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर होते हैं आपके सोडियम चैनल्स। मैं यहाँ पे बड़ा करके बनाता हूँ इसको, यहाँ पर होते हैं आपके सोडियम चैनल्स, ये होते हैं सोडियम चैनल्स। सोडियम तब अंदर जाता है, सोडियम तब अंदर जाता है तो ये पेन की सेंसेशन जाती है, मतलब ये न्यूरॉन्स जो है काम कर रहा होता है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो ये न्यूरॉन काम करना बंद कर देगा, सिंपल सा फंडा है। अगर सोडियम चैनल खुलता है तो ये न्यूरॉन काम करता है, अगर ये सोडियम चैनल बंद है तो ये न्यूरॉन काम नहीं करेगा। ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो सिग्नल जा रहे हैं, ये सारे के सारे रुक जाएंगे। तो हमारा मेन काम है इस सिग्नल को रोकना, इस सोडियम पंप को रोकना। तो हम क्या करते हैं, दवा देते हैं लिग्नोकेन, या फिर कहिए कोई भी एनेस्थेटिक हम ड्रग डालते हैं। यहाँ पर आपका ड्रग है, वो ड्रग क्या करता है, इस न्यूरॉन के अंदर घुसता है। पहले तो ड्रग क्या करता है, इस न्यूरॉन के अंदर घुसता है, एंड यहाँ पर एक चैनल होता है, यहाँ पर एक गेट होता है, जिसको बोलते हैं इनएक्टिवेशन गेट। इनएक्टिवेशन गेट को यहाँ पर पकड़ के बिठा देता है, ऐसे करा देता है इसको, ठीक है, इनएक्टिवेशन गेट को बंद कर देता है। तब ये इनएक्टिवेशन गेट अंदर से बंद हो जाता है, तो ये सोडियम अंदर नहीं जा पाता। तो बेसिकली ड्रग अंदर गया, इनएक्टिवेशन गेट को यहाँ पकड़कर बैठ गया, इनएक्टिवेशन गेट को यहाँ पकड़कर बैठ गया, जिस वजह से सोडियम चैनल जो है ब्लॉक हो गया। सोडियम चैनल तब ब्लॉक हो गया तो ये आपका सोडियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम तब अंदर नहीं जाएगा, ये सारा का सारा ट्रांसमिशन नहीं होगा, जिस वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा, कोई भी सेंसेशन हो रही है नहीं हो रही है, सारी की सारी सेंसेशन खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक सा फंडा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। तो लिग्नोकेन के बारे में हमने सारी की सारी डिटेल्स पढ़नी है, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं, एंड इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।